गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास ऑफ साइंस। एज यू नो, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एटम्स के सिंबल्स के बारे में। एटम्स और उनके सिंबल्स का हम डिस्कशन कर रहे थे। 1 to 20 तक के सिंबल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आप कोशिश कीजिएगा 1 to 20 तो आपको टिप्स पे होने चाहिए। 1 to 20 ये जो आपके एटमिक नंबर हैं और इनके सिंबल हैं, दोनों आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि इन दोनों को लर्न करने से अगला वाला टॉपिक जो अपन आज लेने जा रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। Now we are going to discuss the today's topic, and the topic is chemical formula. Chemical formula. तो किस तरह से chemical formula बनाई जाएंगे हम उसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा chemical formula होता क्या है उस पर एक व्यू देना चाहूंगा कि हम कैसे जो है केमिकल फॉर्मूला को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दैट यू हैव ए कंपाउंड एंड कंपाउंड इज कैल्शियम फॉस्फेट। आपके पास कैल्शियम फॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड है, आप इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो कैल्शियम है और जो फॉस्फेट है इनके सिंबल्स काम में लेंगे, यानी कि हम इन दोनों टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे इनके सिंबल्स की हेल्प से। नाउ वी कैन से द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड। ये कंपाउंड है, हम इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे किसकी हेल्प से, सिंबल्स की हेल्प से। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड by the help of symbols, the representation of a compound, हम define इसको कर सकते हैं the representation of a compound, of a compound with the help of सिंबल्स। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, यानी सिंबल्स हम काम में लेते हुए उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम कहेंगे केमिकल फॉर्मूला। हम इसी एग्जांपल को लेके आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स इज नोन एज ए केमिकल फॉर्मूला। देखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का सिंबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यू नो द सिंबल ऑफ कैल्शियम, बताइए आप। यस, वेरी गुड, सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंबल कैल्शियम Ca। नाउ सिंबल ऑफ फॉस्फेट इज PO4, सिंबल ऑफ फॉस्फेट इज PO4। नाउ द वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी है, कुछ स्टूडेंट्स इधर भी जो है देख रहे होंगे कि सर अभी यहाँ सामने जो है किससे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए स्टाफ मेंबर्स जो हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, आपके लिए जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करते रहते हैं कि कहीं सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैलेंसी कैल्शियम प्लस टू फॉस्फेट माइनस थ्री। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, टू जो होगा PO4 के नीचे हम लिखेंगे और थ्री आपका जाएगा Ca के नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका हो गया। तो देखिए अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसके पहले मैं आपको बता दूं प्लस माइनस जो यहाँ पे है उनको हम छोड़ देंगे। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे Ca3PO4। अब PO4 के नीचे आपको टू लगाना है, तो जब कोई इस तरह से ग्रुप आपको मिले और वहां एक और डिजिट अगर आप लगाना चाहेंगे तो आप काम में लेंगे ब्रैकेट। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट, Ca3PO4 होल्ड ट्वाइस, Ca3PO4 होल्ड ट्वाइस।
चेक इट आउट। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो देखिए ये आप तभी सीख पाएंगे जब आपने 1 टू 20 एटॉमिक नंबर और सिंबल लर्न कर रखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हमें फॉर्मूला बनाना है पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सिंबल पोटेशियम, आप जानते हैं के सिंबल क्लोराइड सिंबल होगा यहां पे Cl। नाउ वैलेंसी, वैलेंसी के वैलेंसी प्लस वन। अब ये वैलेंसी कैसे निकाली है मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखिएगा पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, कॉन्फिगरेशन बनेगा 2881 2881। तो यहां पे देखिए आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन जहां पर होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो 1 को लूज करेगा 1, यहां वैलेंसी बनेगी तो हम लिखेंगे प्लस 1। हम Cl की बात करें, Cl एटॉमिक नंबर 17 देन कॉन्फिगरेशन भी 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7 है, मोर देन 4 अगर होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, कितने गेन होंगे ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे 8 बनने तक गेन होंगे, तो यहां वैलेंसी बनेगी आपकी -1, तो ये आपका हो गया -1। अब देखिए अगर दो एलिमेंट आपने लिए हैं वहां दोनों की वैलेंसी सेम है और साइन अपोजिट है तो यहां मैथमेटिकल रूल आप फॉलो करेंगे, ये वैलेंसी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो अब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा KCl, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, चेक इट आउट। पोटेशियम वैलेंसी प्लस 1, Cl वैलेंसी -1, सेम है साइन अपोजिट है, मैथमेटिकल हम रूल यूज करेंगे कैंसिल होंगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो गया KCl। ओके बाहर काफी अच्छी बारिश हो रही है, आप भी अपने घरों के आसपास देख पा रहे होंगे और देखिए जरूरी भी है बारिश होनी भी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं खरीफ की जो क्रॉप है उसका कल्टीवेशन टाइम चल रहा है, यू नो कल्टीवेशन टाइम, उसका जो सीड है उसको बोने का टाइम चल रहा है, तो ये जो बारिश है ये बारिश नहीं है, ये अमृत कलश है और उस अमृत कलश से कुछ बूंदे बह के आ रही हैं। ओके एनीवे नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा उस जो स्पेसिफिक ग्रुप है उनके आपको मैं सिंबल साथ साथ बताते चल रहा हूं। मैग्नीशियम यू नो सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड सिंबल विल बी OH, सिंबल विल बी OH, Mg वैलेंसी प्लस 2, OH वैलेंसी -1, हम करेंगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 विल बी हियर Mg विल बी हियर, बनाइए आपको देखिए बनाओ क्या बनेगा, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा MgOH। अब एक और चीज, टू एलिमेंट है कोई डिजिट नहीं है, उनके नीचे अगर आपको एक और सॉरी एक डिजिट को ऐड करना है, दो एलिमेंट है एक डिजिट को आपको ऐड करना है तो भी आप ब्रैकेट यूज करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच इज कॉमनली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्यों कहा गया, देखो मैग्नीशियम का सिंबल है, कलर जो इसका व्हाइटिश होता है मिल्क की तरह, तो नाम दे दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, केमिकल नेम आपको यहां पता लग ही गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज यूज्ड एज एन एंड एसिड, एंड एसिड जो कि एसिडिटी को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। इस तरह से आप जितने भी एग्जाम्पल करेंगे वो सभी इसी वे में करेंगे तो इजीली आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, लेकिन वही बात 1 टू 20 अगर आपने टिप्स पे कर लिए हैं तो ये सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक मास,
देखिए एक्चुअली जो एटॉमिक मास है वो किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं, हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में आप देख पा रहे हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर यहाँ पे होते हैं सेल्स। तो किसी एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जो नंबर है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी काम में लेते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन या ए इज इक्वल टू एटॉमिक मास। जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जानते हैं जेड को हम एटॉमिक नंबर से भी इंडिकेट करते हैं, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, क्योंकि प्रोटॉन का जो नंबर होगा वो एक तरह से एटॉमिक नंबर है। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक सिंपल एग्जांपल लेके हम डिस्कशन यहां पे करेंगे। एग्जांपल हमने लिया, मान लीजिए कार्बन, कार्बन जो कि आपका सिक्स नंबर पे है, तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है इसका मतलब आप प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन का नंबर होगा 6, तो a इक्वल्स टू z प्लस n, हम a निकाल रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यहां प्रोटॉन का नंबर भी होता है, सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर भी 6 है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, तो यहां a हो जाएगा आपका 12, इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे 6, यहां पर हो गया 6 कार्बन 12, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होगा 12। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है और यहां पे ए बनेगा 8 + 8, ऑक्सीजन में 8 ही प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बनेगा 16, इसको हम लिखेंगे 8 और 16। देखिएगा मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनका जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है एक ही बात है, देखिए मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज मास नंबर। तो मोस्टली एलिमेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जो उनका एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल आपको देखने को मिलेगा, मास नंबर या एटॉमिक नंबर। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक और है छोटे छोटे जो हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में, तो आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो आप 1 to 20 जो आपके एटॉमिक नंबर है उनको आप अच्छे से लर्न करें। एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करवा दूं, देखिए मैं 1 नंबर से कर रहा हूं स्टार्ट, हाइड्रोजन देन हीलियम देन लिथियम देन बेरिलियम देन बोरॉन देन कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन देन फ्लोरीन देन नियोन ओके देन सोडियम देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम देन सिलिकॉन देन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन 17 आर्गन 18 पोटेशियम 19 एंड 20 कैल्शियम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेटर ऑन वी विल डिस्कस डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू।